अस्सलामुअलैकुम चिल्ड्रन प्योर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम जी। तो नाज़रीन आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी मज़ेदार सी खबर। खबर कुछ ये है कि लाहौर अमाना मॉल में चिल्ड्रन प्योर का स्टॉक डिस्प्ले है, जिस पर आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो कि आजकल के मौसम के हिसाब से आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। प्रोडक्ट्स क्या हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स किस किस तरह से आपके फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, आइए चलते को बताते हैं जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं लोशंस की तरफ। यहाँ पर जो है लोशंस डिस्प्ले हैं और आप लोशंस में देख सकते हैं डिफरेंट तरह के लोशन मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ इस बुटोन हेयर सीरम लोशन की, तो इसको जो है बालों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है, बालों की ग्रोथ के लिए। अगर आपके बालों की ग्रोथ में कोई इशू आ रहा है, क्योंकि सर्दियों में आमतौर पर हम लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो बालों की ग्रोथ को बिल्कुल ठीक रखने के लिए, उनके जो रूट्स हैं उसको ठीक रखने के लिए, ताकि बालों में ड्राइनेस ना हो और पानी का कम इस्तेमाल किया जाता है, तो आमतौर पर बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उससे बचने के लिए और बालों की ग्रोथ को ठीक रखने के लिए, बालों की थिकनेस को ना जाने देने के लिए, हमें जो है बुटोन हेयर सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि चिल्ड्रन प्योर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स प्योर होती हैं, इसमें कोई भी केमिकल हम यूज़ नहीं करते। तो अगर आप इसको अपने बालों पर इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपके बालों पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल इस तरह से यूज़ नहीं किया गया। सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, सारी प्योर हैं, क्योंकि आपने नाम से ही पता चल रहा है चिल्ड्रन प्योर। सो तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो मौजूद हैं वो खास तौर पर बिल्कुल प्योर है। हम नेक्स्ट किसी लोशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर विटामिन ए का जो है लोशन मौजूद है, जो कि फेस और बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि फेस और बॉडी सर्दियों में खुश्की की वजह से खासे खुश्क हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, फिर हम पानी बहुत कम पी रहे होते हैं, तो डिहाइड्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से बचने के लिए हमें कुछ इस तरह के लोशन मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ताकि हमारी स्किन में ड्राई पैचेस मौजूद ना हो और ताकि हमारी स्किन जो है मतलब ग्लो रहे, स्मूथ रहे, उसमें ड्राइनेस ना आए, ड्राई पैचेस ना आए, हमारी स्किन रफ ना हो जाए। क्योंकि जब एक दफ़ा स्किन रफ हो जाती है तो उसको दोबारा से रीग्रोथ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं। इससे अच्छा है कि हम उस प्रोसेस के दरमियान ही अपनी स्किन का इतने अच्छे से ख्याल रखें कि हमें ज़रूरत ना पड़े कि हम उस प्रोसेस में जाएं कि हमें अपनी स्किन का खास तौर पर ख्याल रखना पड़े। इस हवाले से चिल्ड्रन प्योर की जो प्रोडक्ट है विटामिन ए के साथ, विटामिन ए आपको पता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एक एसेंशियल नीड है, हमारे फेस की, हमारी स्किन की बहुत एसेंशियल नीड है, और इसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है। लाइक आप इसको अपने स्किन पर लगाएंगे, अपने फेस पर लगाएंगे, तो उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल प्योर तरीके से बनाई गई हैं। तो लोशंस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोशन मौजूद हैं, जिसमें विटामिन ई का भी है, हेयर के लिए भी है, फेस एंड बॉडी के लिए बहुत सारे लोशन मौजूद हैं, और तमाम की तमाम आप देख सकते हैं सारे के सारे प्योर और ऑर्गेनिक वे से तैयार किए गए। थोड़ा आगे चलते हैं तो आगे टोनर्स मौजूद हैं। आपको पता है स्किन टोन को एक हिसाब से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आमतौर पर लोग कहते हैं कि हाथों का कलर कुछ और है, फेस का कुछ और है। तो इस हवाले से आपको अपनी स्किन टोन का खास ख्याल रखना पड़ता है कि स्किन में पैचेस ना बन जाएं, जिसकी आधी टोन अलग हो और आधी अलग हो। तो इस हवाले से यहाँ पर बहुत सारे टोनर्स मौजूद हैं, और बेस्ट टोनर जो कि आप आमतौर पर गर्मियों में किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, फॉर ऑल सीजन मौजूद होता है, वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर एक ऐसा टोनर है जो आप अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं, जिसका आपके फेस पर खास तौर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, और मैं पर्सनली लाजमी रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, खिज़ा हो, बहार हो, रोज़ वाटर मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये एक ऐसी एसेंशियल नीड बन गई है आपकी स्किन की, जिसके थ्रू आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग रहती है। अपनी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए हमें रोज़ वाटर का इस्तेमाल एक्सेसिवली करना चाहिए अपनी लाइफ में। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास बहुत सारी जेल्स मौजूद हैं, जैसे एलोवेरा जेल है। आपको पता है एलोवेरा जेल स्किन के लिए और आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक मिथ क्रिएट हुई भी है कि घरों में एलोवेरा का पौधा लगा के जो है उससे ले लें, डायरेक्ट एलोवेरा जेल कभी भी आपको अपने स्किन पे या अपने बालों पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जब हम अप्लाई करते हैं, ऑल्दो वो खालिस ज़रूर होती है, लेकिन हर चीज़ खालिस होने के साथ साथ हमें उसमें कुछ इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल करने पड़ते हैं, जिससे हमारी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इस हवाले से एलोवेरा जेल जो है चिल्ड्रन प्योर की खास तौर पर मौजूद है, जो आप अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथों पर यूज़ कर सकते हैं, अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं, अपने बालों की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो डैमेज या रिपेयर हेयर होंगे या स्किन होगी, उसको रिपेयर करेंगे, आपके सेल्स
को रीजनरेट करेंगे और आपकी स्किन को और बालों को मजीद खूबसूरत बना देंगे और किसी भी डिहाइड्रेशन के प्रोसेस या फिर ड्राइनेस से आपको बिल्कुल भी आपको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट में चलें तो यहाँ पर बहुत सारे सीरम्स मौजूद हैं। आपको पता है सर्दियों में, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी स्किन में, तो सीरम्स का इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे सीरम मौजूद हैं जिसमें सबसे एसेंशियल सीरम है विटामिन सी का, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसको एज अ हेल्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपने खाने में भी आप इन सीरम्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सीरम्स यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे विटामिन के जो सीरम है, आप उनको अपने खाने में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि सारे के सारे प्योर हैं। तो ये आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी स्किन पे, आपके बालों पे किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि इनको तमाम नेचुरल तरीकों से तैयार किया गया है। इसमें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा केमिकल यूज़ नहीं किया गया जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो या फिर वो आपकी स्किन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे। तो यहाँ पर बहुत सारे सीरम्स मौजूद हैं, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्योर हायरोक्लोर बैम्बो सीरम मौजूद है, विटामिन सी का सीरम मौजूद है, वाइट राइस का सीरम मौजूद है, विंटर ग्लो का सीरम मौजूद है, जो स्पेशली विंटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है कि विंटर में अपनी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए आप अगर इस सीरम का इस्तेमाल करेंगे, सो दिस इज़ द बेस्ट सीरम, बिकॉज इसमें वो तमाम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो सर्दियों में आपकी स्किन को खूबसूरत, स्मूथ, सिल्की और ड्राइनेस से बचाने के लिए एक बेहतरीन खदमात सरंजाम देते हैं। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर कुछ ऑयल्स भी मौजूद है, क्योंकि कुछ लोग प्रेफर नहीं करते सीरम को, वो कहते हैं कि हमने देसी तरीकों की तरह जाना है और हमने ऑयल्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑयल मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास टी ट्री ऑयल मौजूद है, लेमन ऑयल मौजूद है, ऑरेंज है, फिर अगेन मैं बताती चलूँ यहाँ पर हमारे पास रोज़ ऑयल भी मौजूद है, और रोज़ वाटर या रोज़ ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि इस तरह की चीज़ों को मैं अपनी स्किन पर लाजमी यूज़ करूँ, ताकि कोई भी ड्राई पैचेस या ड्राइनेस हो, मुझे उस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर एंड आई ऑलवेज़ सजेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग लाजमी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि नेचुरल चीज़ों से जो एक रिजल्ट आते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। क्योंकि आप अगर कोई भी क्रीम्स यूज़ करते हैं या इस तरह की कोई चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो आप लोगों के लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। उसका नुकसान ये होता है कि वो आपको रिजल्ट्स तो दे देती हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए आपको नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नेचुरल तरीकों की तरफ मूव होना पड़ेगा, ताकि रिजल्ट्स जो आएँ वो लॉन्ग टर्म हो और ऑथेंटिक हो। नेक्स्ट टाइम चलते हैं, आपको पता है आमतौर पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, तो कॉस्मेटिक्स की यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं फिर बताती चलूँ, सर्दियों में डिहाइड्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, जिसका इम्पैक्ट हमारी स्किन पर होता है, हमारे बालों पर होता है, हमारे लिप्स पर, हमारे हाथों पर, हमारे पाँवों पर, इवन हमारी हेल्थ पर भी होता है। तो इस हवाले से कॉस्मेटिक्स, मतलब हमारे स्टमक पर भी होता है। तो इस हवाले से कॉस्मेटिक्स में जो सबसे अच्छा है, वो हमारे पास लिप ऑयल मौजूद है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिप्स पर, ताकि वो ड्राई ना हो, उनकी स्मूथनेस बरकरार रहे। नेक्स्ट हमारे पास पिंकिश लिप चीक टिंट मौजूद है। टिंट आमतौर पे तमाम लोग यूज़ करते हैं। टिंट बड़ा ही एक नेचुरल सा इम्पैक्ट देता है आपकी स्किन को, मतलब आप ब्लश ऑन यूज़ करो या दूसरी चीज़ें यूज़ करो, उससे बेहतर है कि आप टिंट अपनी स्किन पर यूज़ करो। बहुत ही खूबसूरत एक नेचुरल सा आपकी स्किन पर लुक देता है। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि नेचुरल चीज़ों को यूज़ किया जाए, और अगर तैयार भी हुआ जाए तो इस तरह से और नेचुरल तरीकों से तैयार हुआ जाए कि लगे ना कि हमने बहुत ज़्यादा मेकअप खोपा हुआ है। ऑल्दो मेकअप खवातीन के लिए बनाया जाता है और उनका हक होता है उसको लगाना, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सेसिवली ना लगाएं कि वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। और फिर आप ब्लश ऑन या पाउडर जैसी चीज़ें सर्दियों में यूज़ करते हैं, तो वह आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जैसी चीज़ें, एक्नी प्रॉब्लम कर देती हैं। अगर आप टिंट या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, वो भी नेचुरल तरीकों से जो बनाई गई होती हैं, सो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट वे कि आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होती, उसकी स्मूथनेस भी बरकरार रहती है, और ख़राब होने के बजाय वो उसको रिपेयर करता है। इसमें एसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए गए हैं, SLS या पैराबेंस, ऐसे कोई भी केमिकल्स इसमें नहीं यूज़ किए गए। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि नेचुरल तरीकों से तैयार हुआ जाए, नेचुरल तरीकों से ज़िंदगी को आगे लेके जाया जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी भी जो है वो नेचुरल बने, फेक कुछ मत हो। नेक्स्ट हम चलते हैं होम केयर की कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास फेस वॉश मौजूद है, मस्टर्ड ऑयल मौजूद है,
ऑलमंड ऑयल मौजूद है, ऑलिव ऑयल मौजूद है, कोकोनट ऑयल मौजूद है। हमारे पास ये सारे ऑयल्स जो हैं आप बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन के लिए, अपने हाथों के लिए, उनकी मॉइस्चराइजर को एज अ मॉइस्चराइजर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनका जो फंक्शन है वो 2-in-1 है। लाइक आप अपने बालों पर भी इसको यूज़ करें, अपनी स्किन पर भी इसको यूज़ करें, उसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं होगा, बिकॉज दे ऑल प्रोडक्ट्स आर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। मतलब इसको कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई जो आपकी स्किन के लिए या फिर आपके बालों के लिए नुकसानदेह हो। अब हम मुफ्त के नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की तरफ, जो कि हमारे यहाँ पर डिस्प्ले है। हमने स्किन के बारे में और बालों के बारे में बहुत सारी बात कर ली है, हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है, तो क्यों ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात हो जाए कि हम अपनी हेल्थ को किस तरह से बाय यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि सिर्फ यही खुशखबरी नहीं है कि अमाना मॉल में चिल्ड्रन प्योर का जो है वो स्टॉल लगा है, बल्कि खुशखबरी ये भी है कि अगर आप 3 से 4 प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो आपको उस पर 30-40% ऑफ ही मिल रहा है, जो कि आपको आमतौर पे ऑनलाइन वेबसाइट पे नहीं अवेलेबल होता। तो अब हम चलते हैं अपने जो है मतलब प्रोडक्ट्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर नट्स मौजूद हैं बहुत सारे, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेट लॉस के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने स्टमक इश्यूज़ के लिए। लाइक अगर आपको स्टमक में कोई इशू है, कॉन्स्टिपेशन या कोई भी ऐसा इशू, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे सीड्स मौजूद हैं, जैसे कि सेसमे सीड्स हैं, मेरे हाथ में इस टाइम कैश्यू सीड्स हैं, जो कि आप आमतौर पे मतलब आप घर में अपने रख लें तो आप रोज़ाना की रूटीन में चलते फिरते एक आधा सीड दिन में खा लेते हैं, तो वो आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी एनर्जी के लिए, आपके काम करने की एनर्जी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं पूरे दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो अगर जान नहीं होगी तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो ज़िंदगी नहीं होगी, ज़िंदगी नहीं होगी तो खुशियाँ नहीं होंगी, खुशियाँ नहीं होंगी तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए अपने आप को सेहतमंद रखना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी खुदा ने एक दफ़ा दी है, इसको अच्छे से जी ली जाए, और सेहत जो है उसके साथ गुजारना वो एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल खास तौर पर करना पड़ता है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ, और आजकल आपको पता है बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, कोरोना वायरस है और बहुत सारे वायरस हैं, फिर डेंगू वापस आ चुका है। तो वो लोग जो कि आमतौर पे इन तरह की किसी बीमारियों का शिकार होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं, शुगर की बीमारियां हैं, तो उसके लिए तमाम सीड्स यहाँ पर मौजूद हैं। हनी, आप सबको पता है कि शहद जो है उसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में एक तो हमें ओबेसिटी से बचाता है, मोटापे जैसी बीमारी से बचाता है, इसके अलावा शहद एक बहुत एसेंशियल नीड होता है हमारे जिस्म की, तो उस नीड को पूरा करने के लिए यहाँ पर शहद के डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं, और तमाम की तमाम प्योर और ऑर्गेनिक हैं। तो और आपको पता है प्योर शहद को चेक करने का तरीका क्या होता है, तो वो आप लोग लाजमी इसको घर ले जाके चेक कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है मिक्स नट्स हनी मौजूद है, रॉबिन मौजूद है, और इसके अलावा अजवाइन मौजूद है, इसके अलावा बहुत सारे सीड्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप इजीली अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कोकम्बर सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स हैं, मिक्स सीड्स हैं। आपको पता है आमतौर पे इसकी जो है चूरी बना के घर में रख ली जाती है और चलते फिरते आमतौर पे खा लिया जाता है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी को गर्म रखने के लिए भी काम आते हैं, क्योंकि गर्म होते हैं आमतौर पर सीड्स, तो सर्दियों में ठंड से बचने के लिए भी, और अगर ठंड लग जाए तब भी आप इन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय में मिक्स करके खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, तो वो एक स्नैक की तरह भी आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास कुछ पाउडर्स मौजूद हैं, जिसमें मोस्ट फेमस पाउडर मोरिंगा पाउडर, जो कि ओबेसिटी यानी मोटापे की बीमारी से दूर और मोटापे की बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो मोरिंगा पाउडर इज़ वन ऑफ द बेस्ट पाउडर, जो कि आपकी हेल्थ को भी मेंटेन रखता है, आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट को रिड्यूस करता है और आपकी बॉडी को शेप अप करता है। और इसके साथ साथ देसी घी मौजूद है। आपको पता है देसी घी में सुबह सुबह नाश्ते में बने हुए पराठे अगर खा ले जाएं तो बड़ा ही मज़ेदार सा दिन गुजर जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, नाश्ता करो बादशाहों की तरह, तो देसी घी का इस्तेमाल नाश्तों में किया जाता है आमतौर पर। जब तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं होती कि आजकल के दौर में भी हमें खालिस चीज़ें मैसर हैं, तो हमें और क्या चाहिए, मतलब खालिस आजकल कुछ भी नहीं मिलता, तो अगर हमें मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है हमें सबसे पहले उसको अवेल कर लेना चाहिए। उसके साथ हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर और भी जो है मतलब ऑयल्स मौजूद है, इसके अलावा सीड्स हैं, सीड्स मौजूद हैं, लोटस सीड्स मौजूद हैं, जो कि वेट लॉस में भी इस्तेमाल होते हैं, और आपकी बॉडी में अगर कोई भी कमी हो गई है सर्दियों की वजह से या मौसम की तब्दीली की वजह से, तो उसको बेहतर बनाने के लिए
लिए और उसको रिड्यूस करने के लिए, उस कमी को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्क्रब्स की तरफ। मैंने आपको बताया कि स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन स्किन इश्यूज़ में जिसमें एक्नी है, ड्राई पैचेस हैं और दानों का मसला है, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे स्क्रब्स मौजूद हैं। यहाँ पर रोज़ स्क्रब मौजूद है, राइस स्क्रब मौजूद है, मतलब आपको ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं चिल्टन प्योर की जो कि आपको चिल्टन प्योर के अलावा कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगी। और इसका प्लस पॉइंट मैं पहले शुरू से बताती आ रही हूँ, अभी तक बता रही हूँ कि सारी की सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, प्योर प्रोडक्ट्स हैं, कोई मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, लाइक आपकी स्किन पर इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। राइस स्क्रब मौजूद है जो कि आपको चिल्टन प्योर के अलावा कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। उपटन स्क्रब मौजूद है, चारकोल आपको पता है, अजवाइन है, लेवेंडर है, चॉकलेट स्क्रब भी मौजूद है कि अगर आपको बहुत सारी खुशबू के साथ स्क्रबिंग करनी है तो आपके पास चॉकलेट स्क्रब भी मौजूद होगा। इसके अलावा हैंड्स फूड ग्लोइंग क्रीम मौजूद है हमारे पास, बटर्स मौजूद हैं जिसमें कोकोनट है, लेवेंडर है, रोज़ है, शिया बटर है, कोकोनट है, चिल्टन प्योर एंटी स्क्रैच मास्क क्रीम है, एंटी स्क्रैच। आपको पता है स्किन पर बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, उन स्क्रैचेस से ओवरकम करने के लिए ये स्पेशली क्रीम डिज़ाइन की गई है, एंटी स्क्रैच चिल्टन प्योर की क्रीम है, जिससे आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पर, आपके हाथों पर, आपके फेस पर, आपके पाँवों पर, जो कि आमतौर पर पाँव फटे फटे हो जाते हैं, बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो उन स्क्रैचेस से बचने के लिए और अपनी स्किन को स्मूथ रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए दिस इज़ द बेस्ट क्रीम। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं हेयर कंडीशनिंग मास्क, आपको पता है मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम जो हैं सर्दियों में आमतौर पर नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बालों में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। बालों को मास्क लगा के रखना, उनकी जो है मतलब प्रॉपरली उनकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर डिफरेंट मास्क मौजूद हैं जिसमें विटामिन सी क्ले मौजूद है हमारे पास, हेयर कंडीशनिंग मास्क है, रीठा में है और डिफरेंट आमला में है, मतलब वो तमाम प्रोडक्ट ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट जो कि जिसे कहते हैं ना देसी टोटकों के थ्रू यूज़ करके हम अपने बालों को, अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं, तो ये वो तमाम ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेचुरल तरीक़ों से तैयार की गई हैं और आपकी स्किन को और आपके बालों को आपको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और आपकी सेहत को भी खूबसूरत बना सकते हैं। क्ले मौजूद है, आप लोगों को पता है क्ले आमतौर पर हम जो है स्किन पर अपनी यूज़ को ठीक रखने के लिए, यहाँ पर चारकोल क्ले मौजूद है, फ्रेंच क्ले मौजूद है, बोरिंगा क्ले मौजूद है, इसके अलावा पेट्रोलियम जेली मौजूद है, वनीला। अगर हम ऊपर चलें तो यहाँ पर दूध पत्ती, यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, कहवे मौजूद हैं बहुत सारे, कहवों में आप देख सकते हैं हमारे पास हल्दी मिलती है, मोरिंगा टी है, कोयटा दूध पत्ती है, कश्मीरी पिंक टी है, मतलब सर्दियों की एक फेवरेट सौगात जिसे हम कह सकते हैं कश्मीरी पिंक टी। आमतौर पे इसके कहवे को घर में बनाना खासे मुश्किल होता है और घर में बना होता है तो आप लोगों को ट्रस्ट होता है कि यार ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो इस हवाले से अगर हम इस कश्मीरी टी को यूज़ करें तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी ऐसे इश्यूज़ नहीं है जो कि आपकी स्किन मतलब आपकी हेल्थ पर कोई भी इस तरह के इफेक्ट नेगेटिव इम्पेक्ट मरतब करें। इसके साथ साथ ये तमाम जितनी भी यहाँ पर टी मौजूद है इस सारी की सारी बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, तो इस हवाले से आपको जो है मतलब सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल रही हैं वो भी एक ही रेंज में। तो इसके साथ मैं आपको बताती चलूं कि चिल्टन प्योर की प्रोडक्ट्स अगर आप अभी बाय करेंगे यहाँ पर अमाना मॉल में आके, 3 से 4 प्रोडक्ट्स बाय करने के बाद यू कैन गेट 30-40% फ्लैट ऑफ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तमाम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए इतनी बेनिफिशियल है, तो व्हाई नॉट आप जल्दी से उनको बाय करें और जो जो आपको पसंद आता है हमारे साथ रिव्यूज़ आप लोगों ने लाजमी शेयर किया करें, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट आवाम में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। आमतौर पर मोरिंगा पाउडर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है वेट लॉस के लिए, बिकॉज ये एक बहुत ही कहते हैं ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट बन चुका है कस्टमर्स के लिए और बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी दे देता है, सो दे आर वेरी हैप्पी विद द मोरिंगा पाउडर और मैं पर्सनली भी इसको यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट हम ऊपर चले तो हमारे पास बहुत सारे कोकोनट पाउडर मौजूद है, टर्मरिक पाउडर मौजूद है जो कि आमतौर पर आप किचन में यूज़ करते हैं, स्ट्रॉबेरी पाउडर है, कैरेट पाउडर है, जिंजर पाउडर है, मतलब आप अगर रेंज देखें तो ये आपकी किचन की चीज़ें हैं, ये भी आपकी किचन की चीज़ें हैं। नेक्स्ट फिर हम आते हैं तो आपकी स्किन से रिलेटेड कि अगर किचन में काम कर कर के स्किन ख़राब हो गई है तो यहाँ पर बटर्स मौजूद हैं, बाल ख़राब हो गए हैं तो हेयर मास्क मौजूद हैं। नेक्स्ट अगर हमारे यहाँ पर स्क्रब्स मौजूद हैं, उससे नेक्स्ट आएँ तो हमारे पास फिर अगेन किचन की चीज़ें कुछ मौजूद हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसमें नट्स हैं, हनी है, सीड्स हैं, फूड है हमारे पास जिसमें मोरिंगा पाउडर जैसी चीज़ें हैं। उधर की तमाम प्रोडक्ट्स में मैंने आपको बताया जिसमें स्किन की प्रोडक्ट
इसके सीरम्स थे और बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। तो अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि ये स्टॉल चंद दिनों के लिए अमाना मॉल लाहौर में डिस्प्ले किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर आइए, इसको विज़िट कीजिए, चीज़ों को देखिए, उनका मुआयना कीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि चिल्तन प्योर का नाम चिल्तन प्योर क्यों है, बिकॉज इनकी तमाम प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक और प्योर होती हैं। सो अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है, और अपनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए और अपनी फेवरेट प्रोडक्ट का नाम कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफ़ाम को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।